देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आज मेरे से ज्यादा जनता ये जानना चाहती है कि पत्रकार किस कैपेसिटी से बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि एक पत्रकार जो नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल करता है कि मोदी जी आप जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं। मोदी जी, मैंने अलेक्सा से कहा कि अलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन अलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी। तो ये सवाल आप मेरे से भी करती हैं और मैं आपसे भी करता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले अपना बता देता हूं कि मैं इस देश के अंदर जो देश के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई, और इस विषय पर चर्चा करता हूं। और ये विषय मेरे ख्याल से देश के प्रत्येक नागरिक का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। और ये विषय देश की तमाम पार्टियों का भी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सिर्फ और एजेंडा सिर्फ एक यही है कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम की राजनीति करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई को दूर कर देना। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि आप किस कैपेसिटी के रिपोर्टर हैं, ये मुझे आप बता दीजिए। मैंने जर्नलिज्म कर रखी है, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम YMC यूनिवर्सिटी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी रिपोर्टर्स हैं सब जर्नलिज्म करके ही, मास कॉम करके ही टेलीविजन पर पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपसे, आपने मेरे से कहा ना कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, तो मैंने भी तो आपसे पूछा कि आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस पार्टी का समर्थन कर रही हैं। पत्रकार किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, पत्रकार सवाल करता है जो सत्ता में होता है उससे। और मेरे आप रिपोर्टिंग उठा के देख लीजिए, मैंने सिर्फ सरकार से सवाल किया है आज तक। तो आप भी मेरे एक एक चैनल्स के, आप मेरी बाइट्स को उठाकर देख लीजिए, मैंने भी आज तक सिर्फ सरकारों से सवाल किया है। जो ये आपकी सोच का और आपके देखने का एक नजरिया है, मैं सरकार से सवाल करता हूं तो न जाने आपत्ति आपको क्यों होती है। दूसरी बात यह कि एक बात आप मुझे बताइए, अगर कोई गणित का प्रश्न है और उस गणित के प्रश्न का आप जवाब नहीं जानती, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से अध्यापक से उस सवाल का जवाब लेंगी, हिंदी के टीचर से लेंगी या गणित के? गणित के। तो आज देश के अंदर सत्ता पर राज कौन कर रहा है? भाजपा सरकार। तो मैं सवाल किससे करूं? भाजपा सरकार। तो मैं इसीलिए सवाल करता हूँ। तो बस वही जानने की कोशिश कर रहे थे, आप पर आरोप नहीं लगा रहे। जी जी। अच्छा मोहित शर्मा, गुजरात में जो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, जिस पर जनता वोट देगी, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बनाती है या कैसे भी जो सरकार बना लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पीछे नजर आ रही है, तो क्या मोहित शर्मा क्या मुद्दे हैं इस बार के? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि गुजरात को सोचना चाहिए। गुजरात जो गांधी की भूमि का देश है, गुजरात वो देश है जो अपने आप में साबरमती आश्रम से लेकर महात्मा गांधी, बापू से लेकर सभी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अब गुजरात की उस भूमि पे अगर एक महिला के साथ बलात्कार होता है और उस भूमि पर बलात्कारियों का स्वागत फूल की माला पहनाकर किया जाता है, तो ये सवाल पहला खड़ा होता है। दूसरी बात यह कि गुजरात का, गुजरात हो चाहे फिर वो कोई भी भारत देश का कोई भी राज्य हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे फिर वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे फिर वो कोई भी उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, हर एक प्रदेश का नौजवान आज रोजगार मांगता है। अगर इस देश के अंदर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल अगर यहाँ पर आपको मुंबई के अंदर अगर आपको 80 रुपये लीटर मिल रहा है, तो आपको गुजरात के अंदर 40 रुपये लीटर मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1-2 रुपये का अंतर और हेरफेर देखने को मिलता है। अगर बेरोजगारी है तो पूरे भारत देश के अंदर है। तो भारत देश का नौजवान बेरोजगारी के नाम पर जो है आज बीजेपी के अगेंस्ट वोट डाल रहा है। वो इसीलिए वोट डाल रहा है क्योंकि अब नौजवान रोजगार मांगता है, अब नौजवान शिक्षा मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है। अब नौजवान आपसे ये नहीं पूछता कि देश के अंदर मंदिर कितने बने हैं और देश के अंदर मस्जिद कितनी बनी है। देश का नौजवान ये कहता है कि आप ये बताइए कि रोजगार देने के लिए सरकारी संस्थाएं कितनी बनी है। बेचने वाली संस्था तो आपको पता ही कि रेलवे बिका, एयर इंडिया बिका, BSNL बिका और MTNL बिका, बिकने वाली संस्था तो सभी को पता है। लेकिन अब नौजवान ये पूछता है कि देश में रोजगार के लिए कौन सी संस्था बनी है जहां पर रोजगार दिया जाता है। लेकिन मोदी जी तो वहां से आते हैं, गुजरात से, तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ही रहेगी, काफी समय से राज कर रही है, पिछली बार भी बीजेपी हारते हारते जीत गई है। जी मैं आपको बता दूं, कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक बहुत बड़े बहुमत की जीत दर्ज करी हो। दूसरी बात यह कि उस समय के माहौल में और आज के माहौल में जमीन और आसमान का अंतर है। वो अंतर इसलिए है कि उस समय देश के लोगों को जो है वो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया था, देश के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया था, तब जाकर बीजेपी इतना बहुमत हासिल कर पाई थी। और ज्यादा बड़े बहुमत से हासिल नहीं जीत पाई है वो। गुजरात का अगर आप देखेंगे तो कुछ ही जो सीट है उनका हेर फेर है, ज्यादा बहुमत से बीजेपी गुजरात के अंदर सरकार नहीं बनाया। लेकिन आपका माहौल दूसरा है। आपका माहौल इसलिए दूसरा है कि आपके माहौल में देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपके माहौल में सरहद पे जवान शहीद होता जा रहा है, खेत का किसान शहीद होता जा रहा है। तो इसलिए आपका माहौल बहुत अलग है। जिस प्रकार से देश के जो जवान हैं उनको अग्निपथ की स्कीम लाके 4 साल के लिए उनको चौकीदार बनाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से देश के किसानों को 1 साल के लिए सड़कों पर बिठा दिया गया, उसके बाद 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक के मामले जगह जगह से देखने को और सुनने को मिले, जिस प्रकार से महिला
उत्पीड़न, यौन शोषण जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को मिली, जिस प्रकार से बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पाए गए, तो उस वक्त के वक्त में और आज के वक्त में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारती है। पर उत्तर प्रदेश चुनाव में भी यही बात आप लोग कह रहे थे कि नकारती है जनता, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। महिला सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर दावा करती है कि आज महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एमएलए थे कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। इस देश के अंदर असेंबली में बैठ के पोर्न वीडियो देखने वाले देश के नेताओं से आप उम्मीद लगाती हैं कि वो देश के भविष्य की कामना करते हैं आप उनसे? इस देश के अंदर वो लोग जिन्हों को ये नहीं पता कि देश कौन सा आजादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आप उन देश के नेताओं से ये उम्मीद रखती हैं कि वो भारत देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे? इस देश के अंदर आप उन नेताओं से ये उम्मीद रखती हैं कि इस देश के अंदर जो नेता इस देश के अंदर शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, इस देश के अंदर वो नेता जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उन नेताओं से उम्मीद रखती हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? आप इस देश के अंदर उन नेताओं से उम्मीद रखती हैं जो नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान एकत्रित कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर बयान देते हैं? उन नेताओं से आप देश के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं? जिस देश के अंदर कॉपी कलम और किताब के ऊपर टैक्स लग जाए, आप सोच सकती हैं कि उस देश की स्थिति क्या होगी? जिस किसी भी देश के अंदर जो है शिक्षा, इस देश के अंदर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगी तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि देश के अंदर अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी लोगों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से कलम के ऊपर और किताब के ऊपर टैक्स लगाया गया, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि देश के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं? आटे के ऊपर टैक्स लगाया गया, ये काम तो अंग्रेज किया करते थे, आप तो उनसे बदतर काम कर रहे हैं। आपने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया, कौन नहीं जानता? चलिए, इस देश का इतिहास कौन नहीं जानता? आप इस देश के इतिहास से परिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं इस देश के इतिहास से पूर्णतः परिचित हूँ। आप भी परिचित हैं लेकिन बोलना नहीं चाहती। ये देश गुलाम हुआ था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपस में लड़ने की वजह से। अंग्रेजों ने एक नीति को अपनाया, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की नीति से, फूट डालो शासन करो की नीति से अंग्रेजों ने भारत देश को गुलाम बनाया और लगभग 250 साल की गुलामी को भारत देश ने झेला है। अब उस गुलामी के बाद आप वापस से जो आपस में लड़कर इस देश को दोबारा से गुलाम बनाएंगे तो ये देश निश्चित तौर पर गुलाम हो जाएगा। लेकिन आज अगर देश गुलाम हो जाता है तो देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पास में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारी नहीं है। और उस दौर में लोगों के पास जज्बा हुआ करता था, महिलाएँ जो है वो लड़ा करती थी, महिलाएँ महारानी लक्ष्मीबाई जैसी हुआ करती थी, महिलाएं लड़ा करती थी, महिलाएं स्कूल बनाने के लिए महिलाएं सबसे पहले आगे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, आप देखिए कितना बड़ा एक देश के अंदर एक उनका योगदान रहा है स्कूलों के लिए, विद्यालयों के लिए, शिक्षा के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम की महिलाएं अलग हुआ करती थी, फुल्लन देवी को आप देखिए जो महिलाएं लड़ गईं, तो इस प्रकार की महिलाएं हुआ करती थी, क्रांतिकारी हुआ करते थे, नौजवान हुआ करते थे। इस प्रकार के नौजवान नहीं हुआ करते थे कि पार्कों में महिलाओं को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, देश की स्थिति की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आज के नौजवान जो हैं वो यही काम करते हैं, लेकिन उस प्रकार के नौजवान जो थे सबसे पहले ये सोचते थे कि देश को आज़ाद कैसे कराया जाए। शाम को जब चौपाल लगती थी तो चौपाल पे एक ही चर्चा होती थी कि कल किस अंग्रेजी अफसर का खजाने को लूटा जाए और कल किस अंग्रेजी अफसर को सबक सिखाया जाए। तो ये देश जो है वो गुलाम हुआ और गुलामी के बाद आज़ाद भी हुआ, लेकिन आप इस देश की वापस से संपत्तियों को बेच रहे हैं तो देश दोबारा गुलाम हो भी जाएगा। मुझे ना हिमाचल और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, ईडी की रेड पड़ रही है, सीबीआई की रेड पड़ रही है, तो सवाल ये उठता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ रेड नहीं पड़ती, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार है उस पर रेड पड़ रही है, जबकि इनका ये शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री कर रहे हैं, शिक्षा का इनका मॉडल अमेरिका के अखबार में छपा है, बावजूद इसके रेड पड़ना सीबीआई का कहां तक सही? देखिए मैं आपको बता दूं, सीबीआई जो ईडी की जो कार्रवाई है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे होती है, चाहे वो विपक्ष के नेता संजय राउत हो, चाहे वो विपक्ष के नेता मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो विपक्ष के नेता सत्येंद्र जैन हो, चाहे फिर वो विपक्ष के नेता सोनिया गांधी हो, जो ईडी की रेट है, जो सीबीआई की रेट है वो इन्हीं के ऊपर पड़ती है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर पड़ती है। और ये इसलिए पड़ती है ताकि विपक्षी आवाज़ को गुमराह कर दिया जाए, विपक्ष को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। हिटलर में और नरेंद्र मोदी जी में आज के टाइम में मैं कोई अंतर खास नहीं समझता हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हिटलर ने इस देश के अंदर जो हिटलर के विरोधी हुआ करते थे ना, हिटलर उनसे बहुत नफरत किया करता था, और यही काम नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपने जो हेटर्स हैं, जो उनके विपक्ष वाले लोग हैं, उनसे बहुत नफरत करते हैं, बेहद नफरत करते हैं। इसका आपको प्रमाण देखने को मिलता भी है। प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं वो आपने सुना ही होगा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा क्या क्या टिप्पणी होती है वो भी आपने सुना ही होगा। पर बावजूद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको हटाकर वोट देकर
भारतीय जनता पार्टी को क्यों सत्ता में बिठा रही, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी वापस आएंगे? देखिए ये सवाल तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर देश की जनता बेरोजगारी को नहीं देखेगी, अगर देश की जनता देश की अर्थव्यवस्था को नहीं देखेगी, देश की इकोनॉमी को नहीं देखेगी, देश की जनता इस देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक बच्चे को पानी नहीं पीने दिया जाता, समाज किस ओर पीछे जा रहा है, ये आप देखने वाली बात है। अगर इन सब के चलते भी अगर इस देश का नौजवान और इस देश के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो मेरे ख्याल से मैं सोचने को मजबूर हो जाऊंगा और मैं ये सोचूंगा भी इस बात को कि क्या मैं जो बोलता हूं खड़े होकर मेरा बोलना पूर्णतः व्यर्थ है, क्या मेरा बोलना पूरी तरीके से वेस्ट है, ये सोचने को मैं मजबूर हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुजरात में इस बार सिर्फ मोदी मोदी चल रहा है, कह रहे हैं इस बार मोदी फिर आ रहे हैं। आप कितनी बार गुजरात होकर आए हैं? हम होकर आए हैं, पहले हमारे रिपोर्टर्स हैं वो होकर आए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सुन लीजिए, आप रिपोर्टर्स हैं, आप हो गए, मैं भी गुजरात हो गया हूं, ठीक है ना, मैं भी अहमदाबाद भी गया, सूरत भी गया, ठीक है ना, भावनगर भी गया, गुजरात के कई ऐसे राज्यों में इलाकों में मैं गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो मोदी मोदी हो रहा है, मोदी मोदी सिर्फ इस देश की नेशनल मीडिया को देखने के लिए मिलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान है उसी को देखते हैं, इस देश के नेता भी बात करते हैं, मुझे लगता है कुछ पत्रकार भी ऐसा व्हाट्सएप से ज्ञान लेने लगे, तो व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़कर हिस्ट्री की किताबों को पढ़ना शुरू करिए, फिर पता चल जाएगा भारत कितना सुनहरा देश है। देश में मोदी मोदी नहीं, हर हर मोदी नहीं, इस देश में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, हर हर संविधान की गूंज सुनाई देती है, जो घर घर सुनाई देती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।